अजमेर के रामगंज थाना क्षेत्र में दुष्कर्म का एक मामला सामने आया है। पीड़िता गुजरात की बताई जा रही है, जिसको बेहोशी की हालत में जेएलएन अस्पताल में भर्ती करवाने पर इस पूरे मामले का खुलासा हुआ है। पीड़िता से मिली जानकारी के मुताबिक करीब 7-8 लोगों ने उसके साथ दुष्कर्म किया है और उसे रोड पर छोड़ दिया। महिला ने दुष्कर्मियों पर चेन, नकदी समेत मोबाइल चोरी करने का भी आरोप लगाया है। रामगंज पुलिस ने महिला के साथ जिस मकान में दुष्कर्म हुआ उसके मकान मालिक को हिरासत में ले लिया है और पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। एक महिला है जो गुजरात की रहने वाली है। सुबह बेहोशी की हालत में जवाहरलाल नेहरू हॉस्पिटल अजमेर में भर्ती करवाया गया था, जिसे पूछताछ करने पर उसने बताया कि कल गुजरात से यहाँ अजमेर आई थी। शाम को एक लड़का है जो उसको लेके सुभाष नगर में किसी मकान में लेके गया। वहाँ 7-8 लड़के हैं जिन्होंने उसके साथ दुष्कर्म किया और वो मोबाइल, पैसे और चैन वो भी उन्होंने रख ली। इस संबंध में उनका मेडिकल मुआयना कराकर प्रकरण दर्ज करके अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। किसी को हिरासत में लिया? अभी जो जिसमें मकान मालिक है। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV News, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।